हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। गाइस, वी हैव बीन ट्राइंग टू लर्न टेंस एंड इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू अबाउट पास्ट इनडेफिनिट टेंस एंड अबाउट फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। दो फ्यूचर इनडेफिनिट वॉज इन इनिशियल फेज, फ्यूचर इनडेफिनिट का हम लोगों ने केवल एक इनिशियल फेज देखा एंड देर आर फ्यू थिंग्स स्टिल लेफ्ट टू बी डिस्कस रिगार्डिंग फ्यूचर इनडेफिनिट। अभी भी फ्यूचर इनडेफिनिट में कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं जिन्हें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले फिर से एक बार ओवरव्यू कर लें फ्यूचर इंडेफिनिट का, एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद इसके बाकी के जो स्टफ्स हैं उसको भी देखेंगे। कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं नॉर्मल सा, जैसे वह खेलने जाएगा तो वी विल ट्रांसलेट इट ही विल गो टू प्ले। ऐसा क्यों होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि ऐसा होने का कारण होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा शैल या विल में से कोई एक आता है, फिर वी वन आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मैंने बताया था कि शैल और विल आई और वी के साथ यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ हम यूज कर लेते हैं विल। शैल का यूज आई के साथ और वी के साथ और बाकी सभी के साथ हमें यूज करना होता है विल। ये चीज हम लोगों ने कल ही पढ़ ली थी या पिछली वीडियो में पढ़ ली थी और मैंने इसके साथ साथ आपको इसके बाकी के स्ट्रक्चर्स भी बताए थे, मतलब कंजुगेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, ये सारे चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपने ये अभी आप पहली बार देख रहे हो मेरा चैनल, पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, तो इसकी पिछली सीरीज की वीडियो को देख लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा रखा है, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ा रखा है और फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सारा ओवरव्यू इसमें कर लिया है। आज फिर से मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में ये बताने जा रहा हूं कि यदि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के हिंदी में अवश्य या जरूर लगा रहे तो क्या करेंगे। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि शैल और विल को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब जहां शैल लगता है वहां विल लगाएंगे और जहां विल लगता है वहां शैल लगाएंगे। शैल और विल को आपस में बदला अदला बदली कर लेंगे और इससे हमारा अवश्य जरूर का सेंस आएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, अगर मैंने कहा कि वह अवश्य खेलने जाएगा, वह जरूर खेलने जाएगा, तो इसे बना देंगे ही शैल गो टू प्ले। बस इतना, He shall go to play। मतलब कहने का यह है कि जैसे ही सेंटेंस में अवश्य या जरूर लगने लगता है तो ये नियम चेंज हो जाते हैं। सभी के साथ जहां विल लगता था वहां शैल लगने लगता है और आई और वी के साथ जहां शैल लगता था वहां विल लगने लगता है। लेकिन ये चीज होती है ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल ग्रामर यानी पुराना व्याकरण, जो पुराना व्याकरण है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो मॉडर्न ग्रामर में शैल और विल की जगह केवल विल यूज होता है, शैल यूज ही नहीं होता। क्यों यूज नहीं होता भाई? तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग शैल खत्म हो गया है। तो अब अगर हमें अवश्य या जरूर लगाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इस चीज को अच्छे से समझें। मैंने कहा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हमारा शैल है ही नहीं, शैल खत्म हो गया है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हर जगह हम सारी जगह पर क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, सभी जगह पर विल का यूज करते हैं। तो जब ऐसा होगा कि सब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे हमारा विल आ जाएगा और उसके बाद हमारा वी वन आएगा, अफर्मेटिव हो या अभी सिंपल एक ही स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव नेगेटिव ये है, इन सबों की बात नहीं करेंगे। तो अगर हमारा ये चलने लगता है स्ट्रक्चर तो फिर आई वी हो सबके साथ विल ही लगेगा। तब अगर हमारे सेंटेंस में हिंदी में अवश्य या जरूर आएगा तो क्या करेंगे। तो मॉडर्न ग्रामर ने ये प्रोविजन करा है कि आप शैल विल की अदला बदली चुकी नहीं कर सकते, क्योंकि शैल तो है ही नहीं, अदला बदली करने के लिए उसका होना जरूरी है और वो तो है ही नहीं। तो ना होने की वजह से मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने प्रोविजन किया है कि आप यूज किया करो मस्ट, एक नया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना, और वो कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, मस्ट। मगर ये कहने का मतलब, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहेगा कि वह जरूर खेलने जाएगा, वह अवश्य खेलने जाएगा, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहेगा और हमारा शैल विल की जगह केवल विल मौजूद है तो इसके वो मस्ट से बना देंगे ही मस्ट गो टू प्ले। ये इसका स्ट्रक्चर चलने लगेगा, कौन सा, के सब्जेक्ट के बाद हमारा मस्ट आने लगेगा, मस्ट के बाद वी वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट, केवल विल की जगह हमारा मस्ट आएगा। तो ये तो अफर्मेटिव हो गया।
अगर हमें नेगेटिव करना है तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि टू मेक एनी सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन वी नीड टू पुट नॉर नॉट समवेयर इन द सेंटेंस एंड वी कांट पुट नॉर नॉट एनीवेयर इन द सेंटेंस वी नीड टू पुट इट अलोंग विद एन ऑक्सिलरी वर्ब. हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाना पड़ता है. तो मस्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब हियर. तो हमारा सब्जेक्ट के बाद मस्ट मी नो नॉट लगाएंगे, शॉर्टेंड फॉर्म करेंगे, तो इसे प्रोनाउंस करेंगे मस्टंट. अब इसके टी का साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते, मस्टंट करके मस्टंट बोलते हैं. उसके बाद फिर वी वन फिर ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव करना तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है. यहाँ मस्ट को आगे ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी वन फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो इसी में नॉट लगा देंगे, मस्ट हो जाएगा डब्ल्यू एच. इंट्रोगेटिव करना इसके पहले डब्ल्यू एच और मस्ट के पहले डब्ल्यू एच लग जाएगा तो कहलाने लगेगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अब इसके स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर्स को पूरा करते हैं. वो जरूर खेलने जाएगा तो ही मस्ट गो टू प्ले, वो जरूर खेलने नहीं जाएगा ही मस्टंट गो टू प्ले. क्या वह जरूर खेलने जाएगा मस्ट ही गो टू प्ले, क्या वह जरूर खेलने नहीं जाएगा मस्टंट ही गो टू प्ले. जरूर खेलने कब जाएगा, तो कब की इंग्लिश बस इसके आगे लगा देनी है, व्हेन मस्ट ही गो टू प्ले. वो जरूर खेलने क्यों नहीं जाएगा, व्हाई मस्टंट ही गो टू प्ले. तो इस तरह से आप इसके भी छह स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. तो अवश्य या जरूर के लिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मस्ट यूज होता है. हालांकि अभी भी लिखने वाली बात करें तो अभी भी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर फॉलो होती है और उसका सेम वही सीक्वेंस रहेगा कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा. चलिए अब बात करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कहां करेंगे. तो नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिट के दो यूजेस हैं. पहला यूज ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज वहां करेंगे जब ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा ये दिखलाना हो तो वहां हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. कोई भी काम जो फ्यूचर में नॉर्मली होगा, जैसे आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा. ही विल गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाएगा. राधा विल हेल्प मी, राधा मेरी मदद करेगी. ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में नॉर्मली होगा, सामान्य रूप से होगा, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां होता है, तो जब किसी वाक्य में हमें इच्छा, संकल्प, चेतावनी या इरादा का बोध कराना हो तो वहां भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. विश, इच्छा का मतलब होता है विश. संकल्प, डिटर्मिनेशन, चेतावनी, थ्रेट या कमांड, इरादा, इंटेंशन का बोध कराने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जैसे आई विल सर्व द नेशन, आई विल सर्व द नेशन मतलब हुआ मैं देश की सेवा करूंगा. या इच्छा हो सकती है, या आपका संकल्प हो सकता है, ये इरादा हो सकता है. यू शैल नॉट चीट हर अगेन, यू शैल नॉट चीट हर अगेन, तुम उसे दोबारा धोखा नहीं दोगे. शैल लगाने का मतलब क्या हो गया, जरूर या अवश्य. मैंने भी बोला था जरूर लगाने का उल्टा यहां पर करने का मतलब होता है कि जरूर या अवश्य, मतलब मैं देश की सेवा अवश्य करूंगा, तुम इसे दोबारा जरूर धोखा नहीं दोगे. या जोर दे रहे हैं, बस जरूर नहीं भी हिंदी में ऐड करें तो इसका मतलब जोर देना हो जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे रहे कि तुम इसे दोबारा धोखा नहीं दोगे. कब, भविष्य में. मैं देश की सेवा करूंगा, कब, भविष्य में. मैं क्रिकेट खेलूंगा, कब, भविष्य में. तो दरअसल में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज में आप इतना ही समझें कि ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में नॉर्मली होगा उसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. अब फिर आते हैं वापस अपनी पुरानी बात पर. मैंने पुरानी बात ये बताई आपको, बार बार ही बताई कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं. मैंने पहले ही बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे महत्वपूर्ण टेंस है, सारे टेंस का निचोड़ है. तो अब प्रश्न उठता है कि कब हम किसी टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे या कब किसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और कब उसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे. इसको ध्यान से सुने और समझें. जब भी कोई काम भविष्य में सामान्य रूप से होगा, नॉर्मली होगा, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से एग्जांपल ले लें कि आई शैल गो टू कॉलेज मतलब हुआ मैं कॉलेज जाऊंगा. ये नॉर्मल सा काम है, मैं रोज कॉलेज जाता हूं तो मैं कॉलेज जाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं है. लेकिन भविष्य में होने वाला कार्यक्रम, निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना
को बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अपनी भाषा में इसको ऐसे समझे कि ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में तो होगा लेकिन वो खास काम है, नॉर्मल काम नहीं, कॉलेज जाना मेरा नॉर्मल काम है मैं जाऊंगा, लेकिन कोई खास काम हो और वो प्री डिसाइडेड हो, पूर्व निर्धारित हो कि इतने दिन को इतने तारीख को इतने बजे होगा, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना रोज रोज होने वाली घटना नहीं है, कोई सामान्य सा बात नहीं है प्रधानमंत्री का यहाँ आना, ये खास काम है और पूर्व निर्धारित है, पहले ही डिसाइड कर लिया गया है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इसे हम द प्राइम मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो नहीं बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भविष्य में होने वाला कार्यक्रम निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना, यानी खास काम जो पहले से निर्धारित कर लिया गया हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम, भविष्य की ओर इशारा करने वाला समय जरूर लिखेंगे। अगर वो नहीं लिखेंगे तो अर्थ निकल जाएगा प्रधानमंत्री यहां आते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसके साथ टुमारो लगा दिया तो अब यह अर्थ नहीं निकलेगा कि प्रधानमंत्री कल यहां आते हैं, अर्थ निकलेगा प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। कुछ भी इस तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 PM, जहाज 10 बजे उड़ेगा या 10 बजे उड़ेगी, प्लेन 10 बजे उड़ेगी, तो 10 बजे अभी नहीं, अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तो अभी हमारा 4:45 हो, राइट, क्वार्टर टू 5 o'clock नाउ, तो अब मैं 10 बजे की बात कर रहा हूं, यानी प्लेन के उड़ने का टाइम भी फिक्स कर लिया गया है और वो कब होगा भविष्य में, तो 10 बजे प्री डिसाइडेड हो गया है। ऐसा कोई भी काम जो पहले तो खास हो, बार बार ही नहीं होता है, और उसके होने का समय प्री डिसाइडेड हो, पूर्व निर्धारित कर लिया गया हो, तो उसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और उसके साथ समय जरूर लगा होगा, भविष्य की ओर इशारा करने वाला समय अगर नहीं लगा रहेगा, बस इतना ही कि द प्लेन टेक्स ऑफ द अर्थ हो जाएगा, जहाज उड़ती है आकाश में, सेंस खत्म हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उसमें टाइम लगा देना है, और टाइम लगा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी गागेगी का सेंस निकालेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में नॉर्मली होगा, आज भी हो रहा है, कल भी होता है, हुआ और परसों भी होता रहेगा, ऐसा वाला सीन हो, तो भविष्य में नॉर्मल होने वाले काम को फ्यूचर इंडेफिनिट बताएंगे। आगे बात समझ में। अब फिर मैंने आपको याद होगा कहा था कि पास्ट को भी हम फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाली बात को भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। अब उसमें सीन क्या होगा, उसमें सीन ये है कि पास्ट में घटी घटना को जोरदार बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिखा था 3 prisoners escaped from jail, 3 कैदी जेल से भागे, 3 prisoners escaped from jail, 3 कैदी जेल से भागे, जोरदार बनाना था हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा। या मैंने कहा था कि पास्ट की घटना को न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, अखबार जो होते हैं वो जोरदार बनाने के लिए या हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फिर से समझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने 8-10 रूल्स आपको बताए थे, वो तो है ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बातों को भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, लेकिन कब लिखना है, जब फ्यूचर में होने वाली घटना खास हो और उसके होने का समय पहले ही से तय कर लिया गया हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट की घटी घटना को भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, या कब बना सकते हैं, या कब बोल सकते हैं, जब उस पर जोर देना हो या वो अखबार की हेडलाइन बन रहा हो, सुर्खियां बन रहा हो। तो बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बाकी चीजें यथावत ही रहेंगी। अब नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अब कंटिन्यूअस सेक्शंस पर चलते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी तीनों इंडेफिनिट्स कर लिए, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू देम, हम लोगों ने उनको कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चल रहे हैं, जिसे हम आम भाषा में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। अगर बच्चा वाले टेंस की बात करें, बच्चा वाले टेंस इन द सेंस जब स्कूलों में क्लास 3 4 वगैरह में सिखाया जाता है, तो इसकी एक पहचान बताई जाती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे ही हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य समझना है, सेंटेंस समझना है। मैक्सिमम हद तक तो ये सही है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ ये बताऊंगा कि
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे समझेंगे, तो ऐसा कोई भी काम फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलने के वक्त जारी हो, ऐसा कोई भी काम जो बोलने के वक्त जारी हो यानी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा हो, वर्तमान में चल रहा हो, अभी चल रहा हो, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, ऑब्वियस है कि अभी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का काम अभी कंटिन्यू कर रहा है। आप इसे आम भाषा में अगर समझते आ रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं से लगा रहा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो वैसे ही समझे, कोई इश्यूज नहीं है। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बना देंगे, आम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आम टीचिंग। आई एम को शॉर्ट में हम आम भी कहते हैं, इस तरह से आम टीचिंग, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसे हम लोगों ने शॉर्ट करके लिख दिया। ऐसा क्यों बन गया, तो ऐसा इसलिए बन गया कि इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय इज, एम एंड आर, सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगता है, इट इज फॉलोड बाय वी फोर, वी फोर का मतलब वर्ब प्लस आई एन जी एंड फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। एम किसके साथ लगता है भाई, तो एम लगता है आई के साथ, इज किसके साथ लगता है, तो ही, शी, इट, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, थोड़ा क्लियर होगा समझने के लिए, मैं इसको साइड में लिखता हूं, रुक जाइए, बोर्ड कहां तक आ रहा है, अच्छा बोर्ड काफी आ रहा है, देखिए ये आई के साथ हो गया, ये एम, एम जो लगेगा वो आई के साथ लगेगा, इस किसके साथ लगेगा भाई, तो ही, शी, इट या कोई एक सिंगुलर नेम यानी एक नाम के साथ हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। और आर किसके साथ लगता है, बाकी सभी के साथ, जैसे वी, यू, दे या कई नाम जब आते हैं ना, या एक से अधिक नाम अगर हम बोले, एक से अधिक नाम जब होंगे तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम लगा देंगे आर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, द सेंटेंस विच इज एक्सेप्टेड, मैं पढ़ा रहा हूं, वह वाक्य जिसे स्वीकार कर लिया जाए उसे स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य करते हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा बात है। लेकिन क्या हो अगर हमें कहना हो कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कई बार आपको बता दिया कि टू मेक एनी सेंटेंस एज ए नेगेटिव सेंटेंस वी नीड टू पुट नो और नॉट समवेयर इन द सेंटेंस, किसी भी वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें सेंटेंस में नो या नॉट लगाना पड़ता है, एंड वी कांट पुट नो और नॉट एनीवेयर इन द सेंटेंस, वी नीड टू पुट इट अलोंग विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, हमें क्या करना होता है, नो और नॉट अलोंग विद मतलब साथ में ऑक्सिलरी वर्ब के लगाना पड़ता है, तो ये हमारे तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसी में नो नॉट लगा देंगे, इज में नो नॉट लगाया, शॉर्ट किया तो प्रोनाउंस करेंगे इजंट, ध्यान देंगे इसे इजंट प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे इजंट प्रोनाउंस करना है। उसके बाद एम नॉट और आर नॉट दोनों का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है आर्ट, और ध्यान से सुन लें कि एमंट जैसी कोई चीज नहीं बनी है, इंग्लिश ग्रामर में एम नॉट आर नॉट दोनों को शॉर्ट एंड फॉर्म बना के आर्ट बनाते हैं, अगर आपको आरंट प्रोनाउंस करना है तो इसको आर्ट प्रोनाउंस, आर्ट मतलब चाची, वो वाला प्रोनाउंसिएशन करना शुरू करिए आर्ट, नहीं तो इसको आपको आई आरंट टीचिंग बोलने में बड़ा खराब लगेगा, इसलिए इसको आई आर्ट टीचिंग बोलना होगा, अगर ऐसा बोलने में भी खराब लग रहा है तो खोल के बोलिए आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, नॉट खोल करके बोलेंगे। उसके बाद V4 तो हमारा आएगा ही आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करना होता है भाई, तो टू मेक एनी सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव वन वी नीड टू पुट ऑक्सिलरीज बिफोर द सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करना होता है, सब्जेक्ट के पहले ले आना होता है, चले ले आते हैं इज, एम, आर को पहले ले आएंगे, उसके बाद रहेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा V4, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, एंड इन द एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने के लिए फिर वही बात है, इंट्रोगेटिव तो हो रखा है, इसको नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाने के लिए नो नोट लगाना है, कहां नो नोट लगाएंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब्स में, तो इसको कर देते हैं इजंट आंट, या अगर आप इसको खोल के नो नॉट लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इज एम आर, सब्जेक्ट तब यहाँ नॉट लगेगा, मैंने इसे कॉन्ट्रैक्शन कर रखा है तो ये इस तरह हो जाएगा, और लास्ट में फिर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा लगेगा। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बनानी है तो क्या करना होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स में से किसी एक को भी उठा करके इस इंट्रोगेटिव वाले के पहले लिख देना होता है, so it will be wh plus is mr followed by subject then v4 verb plus ing and in the end again after object there will be a question mark and in the end if you are going by interrogative negative wh structure wh interrogative negative structure to nothing fir wahi interrogative negative ke pehle nine kinds of wh mein se koi bhi ek utha kar rakh dijiye so structure would be wh plus isn't aren't and rest of the things will remain same baki cheeze sab wahi rahengi subject v4 object question mark sab kuch same to
सेम रहेंगे। ये हमारे पांचों सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। इसे पूरा करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो इस स्ट्रक्चर पर बना आई एम टीचिंग। अब कहना है मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई आंट टीचिंग, या मैं से भी बोल सकता हूं कि आई एम नॉट टीचिंग। आई के साथ एम, फिर नॉट, फिर टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूं तो एम आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आंट आई टीचिंग, या एम आई नॉट टीचिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्हाट एम आई टीचिंग, मैं कैसे नहीं पढ़ा रहा हूं हाउ आंट आई टीचिंग, या हाउ एम आई नॉट टीचिंग, ऐसा भी बना सकते हैं। फिर वही बात, आप इसमें से कोई भी सेंटेंस लें, नेगेटिव लें, इंट्रोगेटिव लें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव लें, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव लें, सबके बाकी के पांच फॉर्म्स आप बना सकते हैं। जैसे क्या वो नहीं पढ़ रही है तो इजंट शी स्टडिंग, इजंट शी रीडिंग, अगर इसका अफर्मेटिव बनाए तो क्या अफर्मेटिव हो जाएगा, वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग या शी इज रीडिंग। नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट रीडिंग, शी इज नॉट स्टडिंग। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ रही है, इज शी रीडिंग, और क्या वह नहीं पढ़ रही है का तो अभी हम लोगों ने देखा है, वह कब पढ़ रही है तो व्हेन इज शी रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रही है व्हाई इजंट शी रीडिंग, या व्हाई इज शी नॉट रीडिंग, है ना, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। नेगेटिव क्या हो जाएगा, तुम नहीं जा रहे हो, यू आंट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, इंट्रोगेटिव हुआ, आर यू गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो, आंट यू गोइंग, या आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि क्या तुम जा रहे हो करके हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, तुम कहां जा रहे हो करके सॉरी क्वेश्चन बनाया था, तो डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव तो कर ही लिया था, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लें कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई आंट यू गोइंग, या व्हाई आर यू नॉट गोइंग। तो इस तरह से हम एक कंटिन्यूअस का सेंटेंस लें या किसी भी टेंस का कोई एक स्ट्रक्चर लें तो बाकी के पांच स्ट्रक्चर्स हम लोग अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंजुगेशन फॉर्म, इसीलिए उसे हम कंजुगेशन फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ट्रांसलेशंस बनानी है। मैं आपको बार बार ही कह रहा हूं कि मैं एक एक टॉपिक जानबूझ कर पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर इश्यूज आए तो आप मुझसे पूछें। ये नहीं कि जब आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त साल भर बीत चुका है अगर इस मेरी वीडियो को बनाए हुए, तो भी कोई बात नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन करें। अगर मैं कमेंट्स देखता हूं तो मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा, जो भी इश्यूज आएंगे उसको रिप्लाई करूंगा, और जहां तक पॉसिबल होगा आई विल ट्राई एंड गिव यू 100% सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम। तो आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करें, अगर कोई ऐसे ट्रांसलेशन इश्यूज आती है तो आप इसको बनाने के बाद ट्रांसलेशन करें। इसके बाद और दो कंटिन्यूस में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और प्लस इसके यूज बताऊंगा। आज मैंने इसके यूज नहीं बताया कि ये यूज कहां करा जाता है, ये तो बस ट्रांसलेशन हुआ ना आपको, अभी मैं ट्रांसलेशंस बनाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन फिर इसके यूज कहां करे जाते हैं, कहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है, इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके सारे रूल्स, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के सारे स्ट्रक्चर्स। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, एंड इफ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो please do subscribe our channel and please try and press the bell icon so that you can have the latest updates and information. Thanks for watching. Meet you in next class.